आपका सवाल नंबर एक है, भारत की खोज किसने की? आपके ऑप्शन है ए वास्को डी गामा, बी फाहियान, सी अलबेरूनी, डी इब्न बतूता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वास्को डी गामा। आपका सवाल नंबर दो है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, बी 82.5 डिग्री उत्तरी देशांतर रेखा, सी 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, डी 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। आपका सवाल नंबर तीन है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? आपके ऑप्शन है ए 1947, बी 1949, सी 1961, डी 1983। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1961। आपका सवाल नंबर चार है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपके ऑप्शन है ए विनोबा भावे, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी दयानंद सरस्वती, डी गोपाल कृष्ण गांधी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए विनोबा भावे। आपका सवाल नंबर पांच है, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? आपके ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी हरियाणा, सी तमिलनाडु, डी उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हरियाणा। आपका सवाल नंबर छह है, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? आपके ऑप्शन है ए 23, बी 24, सी 25, डी 26। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 25। आपका सवाल नंबर सात है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? आपके ऑप्शन है ए लोकसभा स्पीकर, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी भारत का प्रधानमंत्री, डी भारत का वित्त मंत्री। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष। आपका सवाल नंबर आठ है, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए जापान, बी चीन, सी अमेरिका, डी भूटान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन चार भूटान। आपका सवाल नंबर नौ है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 24 जनवरी, बी 25 जनवरी, सी 25 नवंबर, डी 26 जनवरी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 25 जनवरी। आपका सवाल नंबर 10 है, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? आपके ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी उपराष्ट्रपति। आपका
सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। आपका सवाल नंबर 11 है, अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? आपके ऑप्शन है ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी खिलाफत आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपका सवाल नंबर 12 है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? आपके ऑप्शन है ए हरियाणा, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा, डी राजस्थान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी राजस्थान। आपका सवाल नंबर 13 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? आपके ऑप्शन है ए सूरत, बी कोलकाता, सी मैसूर, डी बेंगलुरु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सूरत। आपका सवाल नंबर 14 है, पुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी हॉकी, डी बास्केटबॉल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हॉकी। आपका सवाल नंबर 15 है, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? आपके ऑप्शन है ए हिमा दास, बी मीराबाई चानू, सी पीटी उषा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पीटी उषा। आपका सवाल नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए जयपुर, बी उदयपुर, सी नैनीताल, डी वाराणसी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उदयपुर। आपका सवाल नंबर 17 है, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? आपके ऑप्शन है ए सन 1875 ई में, बी सन 1897 ई में, सी सन 1901 ई में, डी सन 1912 ई में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सन 1875 ई में। आपका सवाल नंबर 18 है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। आपका सवाल नंबर 19 है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए ट्रांबे मुंबई, बी नई दिल्ली, सी बेंगलुरु, डी कोलकाता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ट्रांबे मुंबई। आपका सवाल नंबर 20 है, काला गुलाब किस देश में पाया जाना है? आपके ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया देश में, बी जापान देश में, सी अमेरिका देश में, डी तुर्की देश में। आपका सही जवाब होगा
ऑप्शन डी तुर्की देश में। आखिरी सवाल आपके लिए, 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अपने सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।